लॉकडाउन का दूसरा चरण चालू है जो 3 मई तक के लिए लागू हो चुका है। इस लॉकडाउन की वजह से कारोबार से लेकर देश की अर्थव्यवस्थाओं को करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में ढील दी जाएगी। इस ढील के साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा। इसी के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल 2020 से शुरू की जानी चाहिए। दरअसल 25 मार्च को सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन को देखते हुए टोल टैक्स की वसूली को अस्थायी तौर पर रोक दिया था, जिससे जरूरी सामानों की ढुलाई में आसानी हो सके। इसके बाद NHAI ने 11 और 14 अप्रैल को अपने मंत्रालय को पत्र लिखा। इस पत्र में NHAI ने टोल टैक्स वसूली के लिए तर्क देते हुए कहा है कि गृह मंत्रालय ने कामकाज को 20 अप्रैल से अनुमति दे दी है, तो टैक्स वसूली को भी शुरू करना चाहिए। NHAI के मुताबिक टोल टैक्स की वसूली से सरकार को राजस्व मिलता है और इससे NHAI को भी पैसा मिलता है। एक रेटिंग एजेंसी के मुताबिक लॉकडाउन से NHAI को 1,822 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। आपको बता दें कि टोल चलाने वाली एजेंसियों ने इसका विरोध भी किया है। उनका कहना है कि वायरस के संक्रमण का खतरा अभी ज्यादा है, ऐसे में टोल टैक्स वसूली करना जल्दबाजी होगी। दरअसल ये नहीं बताया जा सकता कि टोल बूथ पर कौन आदमी कहां से आ रहा है। हर कोई फास्टैग का इस्तेमाल भी नहीं करता है, ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। वहीं परिवहन उद्योग से जुड़े ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC ने भी सरकार के इस कदम का विरोध किया है। AIMTC ने कहा है कि ये कदम बहुत गलत है। सरकार चाहती है कि जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी रहे और उनका समुदाय तमाम बाधाओं के बावजूद ऐसा कर भी रहा है, ऐसे में ये छूट मिलती रहनी चाहिए। AIMTC के तहत करीब 95 लाख ट्रक और परिवहन प्रतिष्ठान आते हैं, ऐसे में टोल टैक्स को शुरू करने से उनका समय और पैसा दोनों ही ज्यादा खर्च होंगे। लेकिन इस विरोध के बावजूद सरकार के आदेश के हिसाब से NHAI 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगी। सरकार कोरोना के भारत में पैर पसारने के बाद देश में कई राहत पैकेजेस का ऐलान कर चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था को भी इस वायरस ने गहरी चोट पहुंचाई है, ऐसे में सरकार ने उद्योगों के साथ ही टोल टैक्स वसूलने का भी कदम उठाया है।